हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 का BA रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, BCom BSc का जो रिजल्ट आया है अगर उसमें कुछ त्रुटि हो गया है तो उसका सुधार कैसे होगा, इस वीडियो के माध्यम से बात कर देंगे। सत्र 2019-22 का BA BSc BCom Part 2 रिजल्ट कब आएगा, सत्र 2020-23 का BSc BA कब रिजल्ट आएगा, सत्र 2022-25 BA BSc BCom न्यू एडमिशन स्पोर्ट मेरिट लिस्ट कब से जारी होगा, इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। जो भी छात्र नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से VKSU वाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल में 60,000 से ऊपर स्टूडेंट मिलेंगे, यहां जुड़ जाइए। यहां एक एक कॉलेज का सूचना मिलता है, यूनिवर्सिटी का सूचना मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का आपका पार्ट वन का रिजल्ट 18-21 का घोषित कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट अपडेट है, कल तक पार्ट थर्ड रिजल्ट घोषित करने के लिए तेज़ी से हो रहा है कार्य, यानी कि कल 4 अक्टूबर को BA का 18-21 का किसी भी हाल में रिजल्ट जारी हो जाए, इसके लिए देखिए छुट्टी अभी चल रहा है दशहरा का, फिर भी आपका विश्वविद्यालय में कार्य हो रहा है और कल आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा BA का सत्र 2018-21 का। BCom BSc का आप दुर्गा पूजा के बाद जाके अपने कॉलेज से मार्कशीट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत मार्कशीट भी भेज दिया है छात्रहित में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। एनी टाइम पढ़ाई मंत्र छात्र हित में आवाज़ उठाते रहता है, देख सकते हैं हम लोग कुछ दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से मांग किए थे और आप देख सकते हैं आपका SSC CGL का भी फॉर्म नहीं छूटा, फॉर्म भी भर दिए और मार्कशीट भी आपको एक सप्ताह के अंदर प्रोवाइड करा रहा है विश्वविद्यालय आरा। सत्र 2019-22 का पार्ट टू का रिजल्ट इसी माह में आपको अंतिम में घोषित कर दिया जाएगा, तो stresult.com से देख पाएंगे। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर BSc BA का कब रिजल्ट आएगा सत्र 2020-23 का, तो दुर्गा पूजा का छुट्टी अभी 6 अक्टूबर तक चल रहा है, जैसे ही आपका कॉलेज विश्वविद्यालय खुलेगा उसके बाद आपका रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी छात्र छात्रा का अगर स्नातक पार्ट थर्ड का 18-21 का रिजल्ट में कुछ त्रुटि हो गया है तो उसके लिए आप कॉलेज में जाके आवेदन दे सकते हैं, कॉलेज में आप एक फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद कॉलेज वाले आपका डाटा को विश्वविद्यालय पहुंचाएंगे, वहां से आपका सुधार होगा। यहां पर देख सकते हैं आपका ये सूचना DK कॉलेज का है, यहां पर ये देखिए स्नातक खंड 3 18-21 परीक्षा 2021 के वैसे छात्र छात्रा जिनका परीक्षा फल किसी कारणवश पेंडिंग लंबित है, परीक्षा फल सुधार हेतु अपना आवेदन त्रुटि सुधार फॉर्म निम्न कागजात के साथ भरना है। देखिए क्या क्या आपको लगाना है, त्रुटि सुधार फॉर्म, मेमो लगाना है, मेमो आपका अटेंडेंस शीट होता है, परीक्षा सेंटर से आपको प्राप्त करें, ये परीक्षा सेंटर से आपको मिलेगा। पार्ट वन पार्ट टू का परीक्षा फल का आपका छायाप्रति लगाना है और इसको आपको देखिए 12/10/2022 तक जमा कर देना है, तो कॉलेज में आप जमा कर दीजिए। जो जिनका भी कुछ त्रुटि है तो बहुत लोग का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, RDMW हो जाता है, तो RDMW का मतलब यही होता है कि आपका कुछ डाटा विश्वविद्यालय के पास नहीं है या कोई आप एग्जाम दिए हैं उसका डाटा वहाँ नहीं है आपका, तो इसलिए ऐसा रिजल्ट हो जाता है। तो अगर कुछ भी त्रुटि है पार्ट थर्ड रिजल्ट में कॉलेज में जाके आप संपर्क कीजिए, आवेदन दीजिए, कॉलेज वाले विश्वविद्यालय जाएंगे और वहाँ से आपका सुधार होगा। आई होप आप पूरा डिटेल्स में समझ गए होंगे। सत्र 2022-25 का स्पोर्ट एडमिशन जो अंतिम सितंबर में शुरू होने वाला था लेकिन शुरू नहीं हुआ है, 7 या 8 अक्टूबर से शुरू होगा, तो आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com इन्फॉर्म कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।